नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक छोटा सा वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाली है फराटे फैन से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास एक फराटा फैन आया है रिपेयर करने के लिए, जो कि 5 पत्ती की ये फैन है। और इसमें जो है दोस्तों, स्टार्टिंग की 2 कॉयल और रनिंग की जो 2 कॉयल है दोस्तों, इस दोनों कॉयल में से एक एक पे करंट हमें देखने को नहीं मिलता है। जब हम मल्टीमीटर के द्वारा इसे चेक करके रखे हैं तो जो स्टार्टिंग की कॉयल है दोस्तों, इस पे हमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है डिजिटल मीटर के साथ, और जो रनिंग की कॉयल है दोस्तों, इस पे हमें कोई भी रीडिंग या बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, इस पे क्या प्रॉब्लम हुआ है और इसे कैसे सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, और इसके जरिए आपके पास भी फराटे फैन अगर ख़राब हो जाए दोस्तों, और 2-4 लीड में से अगर 1 लीड ख़राब हो जाए या तो टूट जाए या तो जल जाए दोस्तों कॉइल के अंदर, तो आप आसानी पूर्वक से रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फ्री में रिपेयर करने का एक कमाल का ट्रिप देने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप फराटे फैन की कॉइल को आप इजीली तरीके से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक सीरीज बोर्ड, जो कि हमारे पास एक 100 वाट की लैंप लगा के रखे हैं, और इसी बोर्ड के जरिए हम इसे चेक करके दिखाएंगे और इसे रिपेयर भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, हम इस सीरीज बोर्ड के साथ इसे हम चेक करने की जो विधि है दोस्तों, वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज लैंप के साथ हमें एक छोटा सा वायर लेना है, जो कि इस तरह से हम 2 पिन लगा के कम्प्लीट कर चुके हैं। अब बोर्ड के साथ हम इसे जो है दोस्तों सीरीज कर चुके हैं, और जैसे ही हम वायर दोनों टच करेंगे दोस्तों, बल्ब हमारी जो जलने लगेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बल्ब हमारी जल रही है, यानी कि ये जो सीरीज है ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। और इसे कैसे टेस्ट करना है दोस्तों, देखिए, एक सिरा जो वायर है दोस्तों, एक सिरा के साथ हमें इस तरह से कनेक्ट करना है, और एक सिरा जो है दोस्तों, इसे हम टच करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग की जो कॉयल है, हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलता है, और बल्ब भी हमारी नहीं जल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक स्टार्टिंग की कॉइल हम चेक कर चुके हैं, अब रनिंग की कॉइल को हम सेम इसी तरह से हम चेक करेंगे, बल्ब नहीं जल रही है। और इसी वायर को हम जैसे यहाँ से रनिंग में हम टच करते हैं दोस्तों, ये बल्ब हमारी जल रही है। तो दोस्तों, ये कॉइल जो है, ये लीड ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी वायर है, एक वायर टूटा होगा कहीं पर भी, जिसकी वजह से इसके हमें करंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो लाइव प्रूफ आज रिपेयर करके दिखाएंगे दोस्तों। मैं तुलसी कुमार पंडित, और आप सब देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस। आज फुल इन्फॉर्मेशन देंगे इस तरह से कॉयल के अंदर अगर वायर टूट जाए या जल जाए दोस्तों, तो उसे कैसे रिपेयर करना है खुद ब खुद अपने घर पर, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ये वीडियो फुल वॉच कीजिए दोस्तों, और इसके जरिए आप अपने घर पर भी रिपेयर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड को साइड कर देते हैं, और यहाँ से प्लग को भी हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ वायर जितने भी कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से धागे के साथ कनेक्ट करने के बाद इसे हम चेक करके देखेंगे ध्यानपूर्वक। और दोस्तों, जहाँ भी जॉइंट है उसे अच्छी तरह से देखना है, अगर काला हो जाए वायर दोस्तों इस तरह से, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, यहाँ वायर जो है काला हो चुका है इस तरह से। अगर जॉइंट की जगह अगर काला हो जाए इस तरह से, अब देख सकते हैं यहाँ पाइप लगा हुआ है MCB पेपर, जो कि 1 नंबर की पाइप लगी हुई है, इसे हमें निकाल के देखना है, और इसकी जगह साफ़ सुथरा करके फिर से लगा के हमें ट्राई करके देखना है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये जो वायर है यहीं पर टूटा हुआ है, एक वायर यहाँ से जो दोस्तों पाइप से निकल चुका है। अब चलिए, हम इस पाइप को निकाल लेते हैं बाहर, और इसके हम अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करने के बाद फिर से हम दोबारा इसे ट्राई करके देखेंगे। तो ब्लेड की सहायता से साफ़ सुथरा इस तरह से हम कर चुके हैं। अब दोनों वायर को जो है दोस्तों इस तरह से कनेक्ट कर देंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब फिर से हम दोबारा जो है दोस्तों, हम दोबारा इसे फिर से इस वायर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद इसे हम चेक करके देखेंगे। हमें एक ही जगह फॉल्ट देखने को मिला है, अगर इसके ज़रिए सॉल्व हो जाती है ये फैन दोस्तों, तो आप आसानी पूर्वक से भी
रिपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ हमारी एक वायर पर कनेक्ट हो चुकी है, अब दूसरी वायर पे हम कनेक्ट करके देख लेंगे। तो ये जो रनिंग की कॉयल है दोस्तों, ये तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब फिर से हम दोबारा आप सभी को हम चेक करके दिखा रहे हैं दोस्तों, एक वायर पर ही फॉल्ट था, जिसकी वजह से ये हमारी रनिंग पर करंट देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग की कॉयल है जो कि बिल्कुल सही था पहले भी, और ये रनिंग की जो कॉयल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये करंट आ चुका है पहले से ही। पहले ख़राब था दोस्तों, इसकी वजह से ये फैन नहीं घूम रहा था। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो चुका है। अब जो है दोस्तों, इसे हम फिट कर लेंगे अच्छी तरह से। इस पर जितने भी वायर लगे हुए थे और कैपेसिटर वगैरह वगैरह सब हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही नए वीडियो झकास लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।